हिजरतें दो तरह की होती हैं। एक हिजरत यह है कि गुनाह छोड़ के नेकी की तरफ आना, बदी छोड़ कर अच्छाई की तरफ आना। दूसरा सबक हमको ये मिला है कि हिदायत अल्लाह ताला के इख्तियार के अंदर है और अल्लाह से मांगनी चाहिए। तीसरा सबक हमको ये मिला है कि औलाद के दुनिया में आने से पहले और औलाद के पैदा होने से पहले अल्लाह की बारगाह के अंदर आकर औलाद के नेक होने की दुआएं करनी चाहिए। और तीसरा सबक, चौथा सबक हमको ये मिला है कि बंदा जब अल्लाह से दुआ करता है पूरी शर्तों के साथ और पूरे उसूल के साथ, अल्लाह ताला बंदे को वो नहीं देते जो बंदा अल्लाह से मांगता है, बल्कि अल्लाह ताला बंदे को उसकी मांग से कहीं ज़्यादा बेहतर अता फरमाते हैं।